ये बात याद रहे, ऑर्डर क्या था? ऑर्डर में सबसे पहले स्मॉल आर, फिर स्मॉल एस, फिर स्मॉल टी. व्हाट वाज स्मॉल आर? डेल बाय सेकंड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव था ना, ये था ना. स्मॉल आर क्या था? स्मॉल आर वाज डेल जो भी था. अरे यही था बाबा. तो अगर ये यू में, ये सर यू में लिख रहे हैं तो ये यू एक्स एक्स है. अगर जेड में लिख रहे हैं तो ये जेड एक्स एक्स है. आई थिंक आप समझ गए. ये है आर, ये आ रहा है, दिस इज नॉट आर. तो वो तो आपको देखना है, आप प्लेट में सजा के तो दे नहीं देंगे ना आपको सब कुछ. तो इतना तो खुद ही करना पड़ेगा आप लोगों को. आइए, तो गिवन इक्वेशन इज माइनस वाई यू एक्स एक्स बस. और किसी चीज की जरूरत नहीं है. उधर क्या लिखा है उसको भेज दो भगवान के पास, इसकी आपको जरूरत नहीं है, छोड़ दो उसको. हाँ जी, ये आपका क्या हो गया? दिस इज आर आर, दिस इज एस एस, दिस इज टी टी. क्या लेते थे? हाँ जी, व्हाट इज एस स्क्वायर माइनस 4 आर टी? एस स्क्वायर तो 0 है, -4 × r इज -y एंड टी. वो बहुत बढ़िया, आई थिंक बात तो समझ गए. एक मिनट इधर देखिए जरा. हियर वी हैव नो एक्स, तो ये एक्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है. एक्स को तो देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वाई को देखिए. मतलब जो भी सॉल्यूशन आएगा दैट विल बी ट्रू फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स. आप पर्टिकुलर वाई के लिए होगा. आ जाइए जरा साथ में. सो दिस इज पॉजिटिव इफ एंड ओनली इफ वाई इज पॉजिटिव, दिस इज 0 इफ एंड ओनली इफ वाई इज 0, एंड दिस इज नेगेटिव इफ एंड ओनली इफ वाई इज नेगेटिव. जो साथ दीजिए. यस स्टूडेंट्स, कहाँ गए? पॉजिटिव का मतलब हाइपरबोलिक, इक्वल टू का मतलब पैराबोलिक, एंड लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? एलिप्टिक. तो बस हो गया आपका. तो पहले वाले में एलिप्टिक होने के लिए तो वाई को नेगेटिव होना, एक्स को तो देखो मत. एलिप्टिक होने के लिए वाई को नेगेटिव होना चाहिए था? नहीं. पैराबोलिक होने के लिए वाई को कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए. पैराबोलिक वाई 0 ये भी नहीं है. हाँ जी, फिर एलिप्टिक होने के लिए वाई को कैसा होना चाहिए था? लेस देन 0, ये ट्रू है. देख लो भाई, आपके सामने है, एकदम आपके सामने क्लैरिटी के साथ आ गया. लास्टली हाइपरबोलिक होने के लिए वाई को पॉजिटिव, ये भी गलत हो गया. इज इट क्लियर? करिए करिए.